पैदल यात्रा का भी एक अलग ही मजा है। आप हर एक कण कण तिनके तिनके से मिलके आगे बढ़ते हैं पूरे सफर में। हर हर महादेव, हर हर। बिना वहाँ के किसी लोकल को पूछे हुए वो पानी न पिए। फर्स्ट टाइम है प्रीति का केदारनाथ यात्रा डोली के साथ, पर हमें किसी भी हाल में ये यात्रा पूरी पैदल तय करनी है। तो पूरे रास्ते भर में अपनी वीडियो देखने वाले बहुत मिल रहे हैं। ये केदार घाटी का आखिरी पेट्रोल पंप कह सकते हैं कि ड्यूटी रहती है केदारनाथ धाम में अगले 6 महीने तक। हर हर महादेव। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के गुप्तकाशी मार्केट से। आज हमारी केदारनाथ धाम यात्रा का ये दूसरा दिन है और कल हम यहाँ पे एक होटल में रुके हुए थे। होटल रूम कुछ ऐसा था, यहाँ पे 2 बेड लगे हुए थे, हम 4 दोस्त यहाँ पे रुके हुए थे, अटैच वॉशरूम था, मतलब कि पूरी केदार घाटी में आपको रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिलने वाली है। भगवान जी की डोली जिन जिन जगहों से होते हुए आगे को बढ़ती है वहाँ धीरे धीरे चहल पहल बढ़नी शुरू हो जाती है यात्रियों की। अभी मैं हूँ गुप्तकाशी में अपनी पुप्पू के घर पे। प्रीति सुष्मिता लोग कल रात को यहीं पे रुके हुए थे, हम होटल में थे। बाकी यहाँ पे यह है मेरी पुप्पू और ये छोटी नतनी। हाँ मिता विद्या पैसे का मतलब समझ आने लग गया ना। तो चले जी, अब करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत। अब एक बार चलते हैं विश्वनाथ भगवान जी के मंदिर में। विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। बाकी बाबा केदारनाथ जी की डोली यहाँ से भी प्रस्थान कर चुकी है अभी अपने आज के आगे के सफर पे। यहाँ पे है विश्वनाथ भगवान जी का मंदिर और पास में ही है अर्धनारेश्वर महादेव का मंदिर। तो यात्रा के दौरान यहाँ पे हमको मामा जी भी मिले हैं जिनकी ड्यूटी रहती है केदारनाथ धाम में अगले 6 महीने तक। इनके साथ ही हमने मुंबई का सफर किया था पिछली बारी। यहाँ पे कुछ अंतर देखिए, पुराने जो मंदिर है ना वो पत्थरों के बने हुए हैं, उनमें किसी भी प्रकार के कॉलम सरिये वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अब जो बन रहे हैं उनमें सरिया भी लगा है, कॉलम भी लगे हैं। तो पूरे रास्ते भर में अपनी वीडियो देखने वाले बहुत मिल रहे हैं, तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। इनका वाला NSS का पेपर कहाँ पे है? यहाँ पे इंटर कॉलेज में। ठीक है ठीक है ठीक, अभी स्कूल पढ़ा है, अभी मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूली बच्चे मिले हैं अपने छोटे भाई बहन, तो सभी का आज पेपर है NSS का। बाय, मिलते हैं जल्दी। पूरे रास्ते भर में सभी से मिल मिल के जा रहे हैं, तो बढ़िया लग रहा है भाई, मतलब कि बहुत सारे लोग अपनी वीडियो देखते हैं, तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। अब इस जगह से ये ऊपर वाली रोड जा रही है बणसु जागधार के लिए, जहाँ मैं कुछ समय पहले आपको जाक मेले में ले गया था। इस बार यात्रा में आने से पहले बॉडी साथ नहीं दे पा रही थी, कुछ अजीब सा फील हो रहा था, कमजोरी सी महसूस हो रही थी। अब यात्रा खुलने के साथ साथ पूरी केदार घाटी में एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं भगवान जी के दर्शनों के लिए। गुप्तकाशी से करीब 1 किलोमीटर आगे पे है नाला गांव, यहाँ पे ये केदार घाटी का आखिरी पेट्रोल पंप कह सकते हैं। आगे जाना है अगर आपको तो यहाँ से फ्यूल फुल करवा के ही आगे बढ़े। अब इसके बाद अगले 6 महीने पूरी केदार घाटी हेलीकॉप्टर के शोर से भी गूंजती रहती है। तो यहाँ पे अभी जानकारी मिली है कि 9 तारीख से हेली सेवाएं भी शुरू हो रही हैं। पूरी केदार घाटी में लगातार कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, नए नए होटल लॉज वगैरह लगातार बनते जा रहे हैं, मतलब कि आने वाले टाइम में अगर यात्रा बढ़ती भी है और भी ज्यादा तो फिर सभी के लिए सुविधाएं मिल जाएं। अब एक बड़ी दिक्कत हो गई है, मेरे पैर में ना नस चढ़ सी गई है, अजीब सा दर्द हो रहा है पिछले 1-2 किलोमीटर से। अरे दर्द हो रहा है इस साइड यहाँ पे, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे, क्या होगा रे? अभी तेज चल के आए ना, मुझे लग रहा है वही रीजन हो सकता है। पर हमें किसी भी हाल में ये यात्रा पूरी पैदल तय करनी है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। रास्ते में सभी जितने भी लोग वापसी आते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं, सभी अपने गांव से थोड़ा आगे तक भगवान जी की डोली को छोड़ने के लिए जाते हैं। आज तो हम डोली से इतने पीछे छूट गए कि क्या ही बोले भाई, बस आराम आराम से चलते जा रहे हैं। हेलो भाई, ठीक ठाक? हेलो भाई, क्या हाल दिन? आराम से आराम से आराम से, ठीक ठाक है? ठीक ठाक, बढ़िया। सभी भगवान जी की डोली को छोड़ने के लिए गए थे आगे पे, सब अपनी वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
हर महादेव। आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंचे हैं बगडवाल धार पे। थोड़ी देर पहले भगवान जी की डोली यहीं पे रुकी थी। हम डोली से करीब 1 किलोमीटर पीछे चल रहे हैं अभी, और यहां से भी पैदल रास्ता है कालीमठ घाटी के लिए। पैदल यात्रा का भी एक अलग ही मजा है, आप हर एक कण कण तिनके तिनके से मिल के आगे बढ़ते हैं पूरे सफर में। डोली का पीछा करते करते हम पहुंचे हैं अभी जुरानी में, और यहां पे हम डोली के साथ मिलने वाले हैं अभी, नहीं तो अब तक हम 1 किलोमीटर पीछे थे डोली से। ये गौर से देख रहे हैं मेरे को, ये पहाड़ी बाई करी है बल्कि नहीं है। बाकी यहाँ पे भी जलपान की व्यवस्था रहती है, सभी लोग भगवान जी के दर्शनों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं आसपास के गांवों से, और पूरे रास्ते भर में जलपान की ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं। और बुरांस का जूस तो आजकल हर जगह पे मिल जाता है यहाँ। और इस गाँव में ना चारों ओर बहुत सारे फलदार वृक्ष भी हैं, और जिन पे की खूब सारे फल भी लगते हैं। कभी हमने ऐसे मौके ऐसे वीडियो कभी देख लेते थे, कैसे लगता था कि कभी हमको भी मौका मिलेगा कि नहीं ऐसे सब। हेलो, बढ़िया। कहाँ से आप लोग? अहमदाबाद। करवटी जो उन्होंने भी मारे हुए तो ये मारे बाबा इतनी जानता चलेंगे बटा ये तो नहीं और छो क्या का कुछ है बात समझा मेरे को गिरे थे बॉडी तुम बार एक थी ओ यार मत खुमेरा शो। अच्छा, तो यहाँ पे खुमेरा वाली पुपू भी मिली है भाई, आज भी मिला। और यहाँ पे सभी लोग भगवान जी के दर्शनों के लिए आ रखे गाँव से। अब आगे बढ़ते हुए इस पुल के पास में पहुंचे हैं, और ये नीचे है ब्यू घाट। आजकल तो पानी बहुत कम है, लेकिन बरसात में पूरी नदी भर जाती है पानी से। पूरे रास्ते भर में आपको छोटे छोटे झरने नदियां वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन एक गलती कभी ना करें, बिना वहां के किसी लोकल को पूछे हुए वो पानी ना पिए। हो सकता है वो पानी गाँव के आसपास से जाता हो, और वहां से उसमें कुछ ना कुछ गंदगी तो मिली जाती है, तो फिर इन चीजों का विशेष कर ध्यान रखें। मेरे जैसा ना करें, बोतल हरी ना गट 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 जानकार रहिए, सतर्क रहिए। सफर में आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं ब्यू गांव में। यहाँ पे बजरंगबली जी का मंदिर है, यहाँ पे भी थोड़ा सा डोली रुकती है, पूजा अर्चना होती है। शंकर ने खोटा भांग बुंदिया गिरने लगी, भोले बाबा गए कैलाश बुंदिया गिरने लगी। आगे बढ़ते हुए पूरा जंगल का एरिया है, और यहाँ देखिए आजकल खूब सारे काफल भी लगे हैं इन पेड़ों पे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद अब जाके ये लोग हमें मिल रहे हैं। ये लोग चले गए थे डोली के साथ आगे, हम पीछे आते रहे आराम से। बाकी सारे जितने भी यूट्यूबर हैं बस यहीं आगे पे जा रहे हैं। अच्छा, बढ़िया। तो अब जाके यहाँ पे सारे ब्लॉगर मिले हैं भाई, बड़ी मुश्किल से। पता नहीं कहाँ की देर हो रही है भाई तुमको, आप लोग पीछे छूट रहे हो, हम तो आगे। पूरा चढ़ाई वाला रास्ता कंप्लीट करने के बाद फाइनली मेन हाईवे पे पहुंच चुके हैं, और ये सभी चल रही है केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां। देखिए इसमें कंडी पिट्ठू वगैरह सब चीजें रखी हुई हैं। इस जगह का नाम है मैखंडा। यहाँ से भगवान जी की डोली फिर से ऊपर गांव में जाती है, वहाँ पे है माँ महिष मर्दिनी का मंदिर। आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं सिद्धपीठ माँ महिष मर्दिनी देवी जी के मंदिर में, और सभी भक्तजन यहाँ पे आए हैं भगवान जी के दर्शनों के लिए आसपास के गांवों से। बढ़िया,
बाकी यहाँ पे बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स मिले जो अपनी वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हर हर महादेव, ये सभी लोग भी देखते हैं हमारी वीडियो का, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, सब है सब है, हर हर महादेव। अब ये सभी पुराने निर्धारित रास्ते हैं जिनसे भगवान जी की डोली आगे को बढ़ती है। बाकी बहुत जगहों पे ऐसे पुराने जमाने के घर भी हैं जो कि बड़े सुंदर दिखाई देते हैं भाई। चलो जी, खड़िया गांव में पहुंच चुके हैं। बाकी यहां पे दो धाराएं हैं जिनसे कि ठंडा ठंडा पानी बह रहा है। यात्री इतनी ऊंचा डोली लगड़ी आप बहुत दिन है। आप जितने भी भक्तजन भगवान जी की डोली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इस ठंडे ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं, और ऐसे प्राकृतिक धारे मिल जाएं तो इनकी तो बात ही कुछ अलग रहती है। बाकी प्रीति की भी आज हालत खराब होगी है, आराम आराम से आ रही। हाँ यार, बहुत ज्यादा चढ़ाई बहुत ज्यादा होगी, तो मिल भी नहीं रहा, तू ऐसे छोड़ रहा मेरे। ये छोटे छोटे बच्चे रील्स बना रहे हैं, कहाँ पे डालेंगे रील? इंस्टाग्राम पे? क्या नाम से है? आराध्य सजवान। आज तो प्रीति के साथ बहुत कम मिलना हुआ, सुबह से ही ये डोली के साथ आगे निकल गए, हम आराम से आते रहे। बहुत बढ़िया लग रहा है, डोली तो बहुत पीछे थे, हम डोली से पहले बहुत आगे थे। फर्स्ट टाइम है प्रीति का केदारनाथ यात्रा डोली के साथ। इस गांव में हम उस दिन भी आए थे ना शादी में बराती बन के। यम के सर भाई का कल चैनल प्रमोशन कर आए थे, बैग ले जाके बहुत चालाक है। अब धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो आसपास के गांवों में गेहूं भी अच्छे से पकने लगे हैं, तो आजकल सभी लोग लगे हैं गेहूं की कटाई वगैरह करने पे। बाकी अब मात्र आज की हमारी डेस्टिनेशन है 1 किलोमीटर दूर। प्रीति को तो यहीं पे भूख लगी है हिसूल की, पर हिसूल यहाँ पे हर साल खाते हैं हम थोड़ा थोड़ा। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। अभी स्कूली बच्चों के छुट्टी का टाइम हो चुका है तो बहुत सारे छोटे बच्चे अपनी वीडियो देखते हैं। सभी स्कूली बच्चों में तो एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है भाई, हर 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 महादेव। पहले के जमाने में पहाड़ों में ऐसे कुछ घर हुआ करते थे, देखिए पूरा लकड़ी पत्थर और मिट्टी का काम करा हुआ है इस पे, कितना सुंदर सा दिखाई दे रहा है। पहले भी यही रास्ते रहे होंगे भगवान जी की डोली के, अब तो यहाँ रोड आ गई है तो काफी आसानी है, लेकिन पहले यहाँ सिर्फ पैदल रास्ता रहा होगा। इतना बड़ा सा घर बड़ी सुंदर सी लोकेशन पे, तो चलो जी यहाँ से फाटा मार्केट दिखाई देने लगा है। आज भगवान जी की डोली बस यहीं तक जाएगी। अब यहाँ से ना आसपास की पहाड़ियाँ दिखती थी, लेकिन आज पूरी धुंध है चारों ओर, तो धुंध की वजह से ना आसपास के नज़ारे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यात्रा में तब भी काफी मजा आ रहा है। अच्छा, तो सभी यहाँ पे गांव की महिलाएं भगवान जी को भेजने के लिए आ गए हैं और फिर वापसी जा रही हैं। अभी पूरी केदार घाटी को इस समय का इंतजार रहता है कि कब भगवान जी की डोली उनके गांव से होते हुए आगे को निकले और वो भगवान जी का स्वागत करते हैं, उनको थोड़ी दूर तक भेजने के लिए भी जाते हैं। मतलब कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस परंपरा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में तो पता नहीं माहौल कैसे बदल जाएगा यहाँ का, लेकिन वीडियो के माध्यम से ये पूरी मेमोरीज हमारी सेव रहने वाली हैं। बाकी यहाँ जिन रास्तों पे अभी हम चल रहे हैं, कहते हैं यही पुराना फाटा मार्केट था, अब तो नीचे मेन हाईवे के पास में पूरी दुकानें हो गई हैं, बड़े बड़े होटल लॉज बन गए हैं, लेकिन पहले यात्राएं यहीं से चलती थी, इन्हीं रास्तों से। अब समय के साथ साथ तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, जिन जगहों पे पहले चहल पहल रहती होगी, थोड़ा सा माहौल बदलते ही वो चहल पहल कहीं दूसरे रास्ते पे चले जाती है। खैर, अच्छी बात यह है कि डोली उसी रास्ते चलती है जो पहले से निर्धारित है। तो चले जी, पहुंच चुके हैं फाटा मार्केट में। बाकी अब एक बार रूम की व्यवस्था करते हैं, फिर उसके बाद आगे की देखी जाएगी। और दिन के करेक्ट 2 बज रहे हैं अभी। बाकी यहाँ भी आसपास ना रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। और केदारनाथ धाम यहाँ से मात्र 35 किलोमीटर रह गया है, गौरीकुंड 19 किलोमीटर की दूरी पे। जैसे जैसे हम केदार घाटी में आगे बढ़ रहे हैं तो सभी भक्तजनों का इंतजार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और हम अपनी मंजिल के काफी नजदीक पहुँचने वाले हैं। बाकी यहाँ पे है महाराष्ट्र निकेतन, जहाँ पे की भगवान जी की डोली रुकती है। चले जी, फाटे में रुकने की व्यवस्था भी हो चुकी है। गुजरात भवन करके एक बड़ा सा होटल है, यहाँ पे हमने रूम ले लिए हैं, 2 रूम लिए हैं जिनमें कि सारे दोस्त हम एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3-4 दोस्त आराम से रह सकते हैं, अटैच वॉशरूम भी है। कितने का पड़ा है ये? पड़ा हमें 1200 का।
एक कमरा ना, एक कमरा। और यह है कि पूरी केदार घाटी में जितने भी होटल है ना, उनके रेट अप डाउन होते रहते हैं यात्रा के हिसाब से। यात्रा ज्यादा चलेगी तो रेट भी बढ़ेंगे, कम चलेगी तो रेट भी कम हो जाएंगे। अब एक और सबसे पहले पेट पूजा कर देते हैं, कमरे का जुगाड़ तो हो गया। सारे यूट्यूबर्स को भूख लगी है अच्छे तरीके से, तो सब आ गए हैं आप एक दुकान पे। बाकी ये गाड़ियां जो डेली आती हैं गौरीकुंड सोनप्रयाग तक, तो इनमें भी देखिए पूरा सामान जा रहा है। पूरी केदार घाटी में रौनक बढ़ने लगी है। साथ ही साथ इन गाड़ियों में देखिए पिट्ठू भी रखे हुए हैं। जो भी लोग केदारनाथ धाम में काम करते हैं पिट्ठू से सवारियों को ले जाने का, उन सब की भी तैयारियां चल रही हैं। बाकी सुजान भाई की यहां पे सेल्फ सर्विस शुरू हो गई है, क्योंकि सारे लोकल ही बंदे हैं यहां पे अभी, और सभी मस्त में से खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। सुष्मिता यहां पे सभी को खाना बांट रही है। अच्छा, कब से खोला होटल? यात्रा की तैयारी फुल। बाकी यहां फाटा मार्केट में भी आपको रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी अच्छे से।